किसी भी प्रोफेशन के एथिक्स और प्रोफेशनल वैल्यूज़ एक जैसे होते हैं. एवरीबडी एक्सपेक्ट्स यू टू बी ऑनेस्ट टू द जॉब दैट यू आर डूइंग. एवरीबडी एक्सपेक्ट्स यू टू बी गुड ऑन ऑन द जॉब व्हाइल यू आर ऑन द जॉब. एक्टिंग में इट इन्वॉल्व्स बीइंग हेल्पफुल एंड ओपन टू अदर पीपल, देयर नीड्स, देयर प्रॉब्लम्स. बिकॉज एक्टर्स कैन समटाइम्स जस्ट गेट स्टक, नहीं हो रहा. फिर जो टेक्निकल मीडियम्स हैं, जो टेक्निकल से मुराद जो ये मशीनी मीडियम्स हैं जिनमें टेलीविज़न और फिल्म है, इसमें तो टेक्नोलॉजी के बहुत प्रॉब्लम्स हैं. अब कैमरा नहीं चल रहा था, आज हमने एक घंटा माइक्रोफोन पर ज़ाया किया, इतना सा माइक्रोफोन है वो, मगर वो हम सब बहुत इंपॉर्टेंट लोगों का एक घंटा खा गया. ये पेशेंस भी डेवलप करना कि ये दिस इज़ द वननेस ऑफ द जॉब, दिस कैमरा इज इन वननेस विथ मी, ये दिस इज पार्ट ऑफ मी, दिस पार्ट ऑफ माई जॉब. ये सब एक्सेप्ट करना और इसके अंदर अपने आप को इनकॉर्पोरेट करना एक हेल्दी तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से, ये भी एक्टर का जॉब है. बिकॉज एक्टिंग डज इंस्टिगेट अ बिट ऑफ नार्सिसिज्म इन एवरीबडी, it is very important to keep an eye on it. I feel it is part of your professional ethics to keep an eye on where you as a person are going. Are you becoming too self-centered? Are you just focusing too much on your characters? Because that's bad acting. If you only think about yourself in the shot, and if you're only thinking about what I can do with this, is bad acting. And ek aur Pakistan mein ek problem hai, baki log आई डोंट नो, होता होगा आई एम श्योर, हमारे आदमखोर एक्टर्स भी होते हैं जो दूसरे लोगों को खा जाते हैं, दूसरे एक्टर को खाने वाले एक्टर्स भी होते हैं. दैट्स बैड एक्टिंग, दैट्स बैड एटीट्यूड, दैट्स बैड प्रोफेशनलिज्म, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल. हम सब अपनी अपनी जगह पर रहकर जब अपने किरदार अच्छी तरह करेंगे, दूसरे को ड्यू स्पेस देते हुए, जो उसकी रिक्वायर्ड स्पेस है वो देते हुए, तभी वो कहानी अच्छी बनेगी. अगेन गोइंग बैक टू द परस्पेक्टिव वाई यू वॉन्ट बिकम एन एक्टर, सो वो जब आवा ठीक होगा तो बाकी वट एवर विल फॉलो विल ऑटोमेटिकली बिकम ओके. एंड ऑफकोर्स द यूजल एथिक्स, प्लीज बी ऑन टाइम, डू योर होमवर्क, रीड योर स्क्रिप्ट, काइंड ऑफ रेट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप बैक टू बैक 5, 8, 7, 6 प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, आप ये समझते हैं कि वहाँ जाके पढ़ लूँगा या क्या फ़र्क पड़ता है, ये वाला पढ़ लिया वो वाला नहीं पढ़ा. तो यू नो दैट डज अफेक्ट योर परफॉर्मेंस इन द लॉन्ग. और वैसे भी आई थिंक इट्स बैड एथिक्स ऑल्सो टू डू 6 projects एट अ टाइम. लाइक 6 बंदों का बोझ आप कैसे, हाउ कैन यू कैरी 6 people विथ यू. एज इट इज एक्टिंग में हल्का फुल्का सा आपको मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम होता है, हल्का फुल्का सा, यू नो इट्स kind of a little pathological in a way. But how can you be carrying 6 people or 7 people with you at the same time? Or else you will be exactly the same in all the 6-7 characters, which is equally bad. So I don't know, maybe I feel that is also not maybe very good professional ethics.